रुक कर लेते हैं। हमारे साथ खास मेहमान आरजेडी की तरफ से प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी इस वक्त मौजूद है, उन्हीं के पास आपको लेकर चलते हैं। मृत्युंजय जी, आप सुन रहे हैं ग्राउंड पर किस तरीके का उत्साह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गया में होने वाली इस रैली को लेकर, और साथ ही साथ पूरी तरीके से आश्वस्त वहां पर तो लोग नजर आ रहे हैं कि एक बार फिर बिहार में मोदी का जादू चलेगा और 2019 में जैसे हुआ था ना 40 में से 39 करीब करीब वही रिपीट होने वाला है। मृत्युंजय जी, देखिए रोमाना जी, इस बार जादू चलेगा जनता का, और लोकतंत्र में जनता मालिक है। जनता जिसे अर्श पर पहुंचाती है उसे फर्श पर पहुंचा देती है। आपने कहा कि उत्साह है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी दो दो सभा करके गए बिहार से, लेकिन ना कोई उत्साह था, ना जोश था, ना उमंग था, कुर्सियां खाली रह गई। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि जवाब दीजिए, अपने 10 वर्षों की उपलब्धि बताइए, अपनी नाकामी छुपाने के लिए वही घिसा पीटा पुराना कैसेट विपक्ष को गाली देकर चले जा रहे हैं। अरे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, बिहार को विशेष पैकेज, बिहार को विशेष ध्यान देंगे, ये कब बताएंगे प्रधानमंत्री जी? परिवारवाद पर प्रहार गया में करेंगे कि नहीं? नवादा में तो जमुई में नहीं किया, ये सबको पता था। अब जिस भ्रष्टाचार की बात प्रधानमंत्री जी करते हैं, वो भ्रष्टाचार के 33 घोटाले गिनाए थे नीतीश कुमार जी के शासन काल का, और नीतीश जी की पार्टी को जेडीयू को कहा था जनता का दमन उत्पीड़न। अब क्या कहेंगे वो सारे जो घोटाले गिनाए थे 33 घोटाले, धनंजय जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उन्हीं के पास लेकर चलते हैं। अब क्या कहेंगे बिहार में, जमुई और नवादा में जिस तरीके से परिवारवाद को लेकर चुप्पी थी, अब उसी तरीके से गया में भी परिवारवाद पर तो कुछ नहीं बोला जाएगा, है ना धनंजय जी? रोमाना जी देखिए, बिहार मंथन व चिंतन की भूमि रही है, अमृत मंथन की मथनी के रूप में खड़ा मद्राचल पर्वत आज भी उसका साक्षी है। बिहार की जनता के मन को अगर आप मथेंगे तो उसमें से एक ही आवाज निकलेगी, मोदी। मोदी का मतलब है मिशन ऑफ डेवलप्ड इंडिया, जो विकास के नए भारत की कुलाचे भर रहा है उसके साथ बिहार खड़ा है, क्योंकि बिहार ने कभी राजतंत्र की प्रकाष्ठा भी देखी है और लोकतंत्र का भी शुरुआत भी बिहार ने की। तो बिहार के मन में मोदी की मूरत समाई हुई है, और 40 में 39 जो रह गया था एक सीट पर जो लड़ाई है, इस बार 40 में 40 और अब की बार 400 पार करके बिहार में, जब इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी, इंदिरा के तानाशाही के ताने बाने को तोड़ा था, जंगल राज को जिस बिहार ने नकार दिया है, आज बिहार मंगल राज की तरफ बढ़ रहा है, मोदी के सपनों के साथ खड़ा हो रहा है। नेशन के नैया के खवैया नरेंद्र मोदी नेशन को जिस ऊंचाई पर लेकर के जा रहे हैं, और हम विकास की राजनीति करते हैं, हम तुष्टिकरण की नहीं, परिवारवाद की नहीं, संतुष्टिकरण की। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए हुए शब्दों को साकार रूप में हमारी सरकारें चला रही है क्या? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस विकास की दौड़ में कोई पीछे न छूटे, इसका प्रयास है, और इसी के लिए बिहार की जनता पूरे पूरे मनोयोग से नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है। ठीक है, जवाब मिला मृत्युंजय जी, मतलब वो कह रहे हैं मंगल राज, और मंगल राज जब वो कह रहे हैं तो उसकी वो तुलना कर रहे हैं उस जंगल राज से, जिसके लिए कौन बदनाम है मुझसे बेहतर तो आप ही जानेंगे मृत्युंजय जी। हेलो, हाँ जी आवाज आ रही है? अच्छा मृत्युंजय जी को आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी आ गई आवाज, तो जवाब देखिए 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 हमसे पूछ रहे हैं जी। हेलो, देखिए ये जो बीजेपी के लोग कुछ भी कह लें, ऐसा मंगल राज नहीं चाहिए जिसमें जनता का मंगल हो ही नहीं रहा है। ये तो बीजेपी का मंगल ही मंगल है। अब तो जनता ने ठान लिया है कि इस बार बीजेपी के साथ अमंगल होगा, और बीजेपी के 400 पार का नारा 100 पार भी नहीं पूरा होगा, ये आपको हम दावे के साथ कह रहे हैं। आप इसको लॉक कर लीजिए, क्यों दे आखिर जनता वोट? इतने जुमलेबाजी की बौछार हुई, गरीब मजदूर नौजवान किसान सब परेशान है। आज पूछ रहा है, जब जनता पूछ रही है कि 15 लाख खाते में क्यों नहीं आए, स्विस बैंक से आने वाले थे पैसे, आज जनता पूछ रही है कि 20 करोड़ नौकरी कहाँ है, जनता पूछ रही है नमामि गंगे का क्या हुआ, सांसद गांव गोद लेंगे क्या हुआ, स्मार्ट सिटी क्या हुआ, बुलेट ट्रेन क्या हुआ, इस पर कुछ नहीं बोल रहे। अब जो जो भ्रष्टाचारी बीजेपी में चले गए वो सदाचारी हो गए, जो नहीं गए वो कह रहे भ्रष्टाचारी। 25 लोग गए, 23 लोग
के साथ क्या हुआ? आप ये जो सब सवाल उठा रहे हैं, आप ये जो सब सवाल उठा रहे हैं, ये सब सवाल अपनी जगह, लेकिन आपके ये सवाल इसलिए खोखले सुनाई पड़ने लगते हैं क्योंकि बीजेपी ये कहती है कि साहब इनकी तरफ से ये कहा जाता है कि अब की बार बीजेपी 400 पार नहीं कर पाएगी, लेकिन अपना तो कोई ये नंबर दे नहीं पाते हैं, अपनी तरफ से तो ये बता नहीं पाते हैं कि ये खुद क्या आंकलन कर रहे हैं, अपना ये कहाँ तक पहुँच पाएंगे। ABP News आपको रखे आगे।